भू माफियाओं से परेशान होकर घर बेचकर शहर छोड़ने को मजबूर। कई घरों में चिपकाया मिला घर बिक्री है का पोस्टर। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 भंडारी डी में कुछ अंजुमन लोगों द्वारा आने जाने वाले रास्तों को अतिक्रमण कर लिया जा रहा है। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी के नाम आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। दिए आवेदन में बताया गया कि 6 से 7 हजार आबादी वाले इस क्षेत्र में एम्बुलेंस, स्कूली वैन और अन्य 4 पहिया वाहन आने जाने का एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते को मोहनपुर और भंडारी डी अंजुमन के कुछ लोग भू माफिया के संपर्क में आकर योजना बनाकर रास्ते को कब्जा कर ऊंची दीवार खड़ा कर गेट लगाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्षों से हम लोग यहाँ निवास करते आ रहे हैं और इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ दिनों में अंजुमन कमेटी का चुनाव होना है, इसको लेकर अंजुमन कमेटी के ही कुछ लोग रास्ता को कब्जा कर रहे हैं। कहा कि गरीब लोगों का रास्ता बंद कर उनके घर को कम दाम में खरीद कर फिर रास्ता देकर इस ज़मीन को अच्छे मुनाफे में बेचने का कार्य करने की योजना बनाई जा रही है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने विवश होकर अपने घरों के बाहर घर बिक्री से संबंधित पोस्टर लगा दिया है। SDM से इस क्षेत्र के लोगों ने न्याय की गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द रास्ते को किए गए अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग की है। इस मौके पर मोहम्मद सलामत, मुजीब उद्दीन, नसीम शाह, मोहम्मद मुजफ्फर, तमन्ना परवीन, गुलाम रब्बानी, मोहम्मद आलम आदि दर्जनों लोग शामिल थे। देखिए, आज जब तक हम लोग होश संभाले तब से हम लोग देख रहे थे कि ये रास्ता है और ये एक दो मोहल्ला का मोहनपुर और भंडारी का कनेक्टिंग रोड हो गया। ये सरकारी रोड बना हुआ, सब देख सकते हैं। PCC वहाँ जहाँ बन जाती है वो सरकारी रोड हो जाता है। और आज एक साजिश के तहत कुछ लोग अंजुमन में, सारे लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, हम लोगों ने जब बात किया तो उसमें अभी भंडारी अंजुमन में चुनाव होने वाला है तो जो इस तरह का मुफाद परस्त लोग हैं, जो सदर सेक्रेटरी बन करके कुछ अपना वर्चस्व चलाना चाहते हैं, वैसे लोगों को ये साजिश है कि हम इसका कब्रिस्तान का बेहरमती को रोकेंगे। कब्रिस्तान का बेहरमती रोड में चलने से हकीकत में नहीं होता है। और इस अगल बगल में आप देख लीजिए, पूरा फाइल जितने भी आबादी है, अभी बहुत सा ज़मीन खाली है, ये सब मुसलमान बसे हुए हैं, कोई गैर मुस्लिम नहीं है। तो ये मुसलमान को परेशान करना एक साजिश के तहत, ये किसी तरह से दुरुस्त नहीं है। हम लोगों ने आज SDO को पत्र दिया है, एप्लीकेशन दिया है, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि आप चल करके देखिए, यहाँ मज़ार भी है और मज़ार आज से नहीं, आज हमको लगता है 60 साल से ज़्यादा हो गया। तो 60 साल से ये मज़ार उर्स लगता है, लोग आना जाना करते हैं। अभी जिस तरह से ज़रूरत के तहत, मान लेते एक डिलीवरी पेशेंट हो जाएगा रात बिरात को, तो क्या करेंगे हम लोग? कंधा पे उठा करके मेन रोड लेके जाएंगे, गाड़ी वहाँ रखेंगे और यहाँ से उठा के ले जाएंगे? तो ये एक सोचने की बात है कि जो मुसलमान बसा हुआ अगल बगल में, कब्रिस्तान सबका है, दो अंजुमन का नहीं है, 13 मौजा का है, और हम भंडारी अंजुमन का सेक्रेटरी अल हबीब का हैं, तो हम भी अंजुमन के सेक्रेटरी हैं। हमारी कोशिश होती है लोगों को भला करना। हम कोई ऐसा काम से, कोई ऐसा एक्टिविटी से हम नहीं चाहेंगे कि लोगों को नुकसान पहुँचे। तो ये एक तो नुकसान पहुँचाने का काम हो रहा है एक साजिश के तहत, एक अपने मफाद में। तो हम यही मांग करते हैं कि जो रोड जिस तरह से चल रहा था वो रोड उसी तरह से रहे, कोई गेट वगैरह नहीं लगे। आपको अगर इसकी सुरक्षा करना है तो आप चल के देखेंगे, जिधर ये जंगल नुमा बना दिया है वहाँ आ करके अयासी होता है, लोग शराब पी करके बोतल फेंक रहा है, उन सब चीज़ को रोका जाए, उसमें हम लोग साथ हैं। बहुत सा काम हो रहा था जिसमें हम लोगों को भी पिछले साल लिया गया साथ में कि ये कब्रिस्तान की बेहरमती हो रही, आप लोग साथ दीजिए, हम लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब ये रास्ता रोक करके, अपने लोगों को परेशान करके, ये कौन सा बेहरमती को रोकने जा रहा है? इस जगह पर देखा जा रहा है कि यहाँ घर बिगड़ित लिखा हुआ सब घर में, क्या मजबूर में, क्योंकि मजबूरन अब रास्ता नहीं है तो कोई हेलीकॉप्टर से आके नहीं ना आएगा। मान लेते किसी तरह से आदमी पैदल आ जाएगा, लेकिन ज़रूरत तो इंसान को कभी अचानक हो सकता है। मतलब एकमात्र रास्ता यही है, एकमात्र रास्ता यही है 4-व्हीलर का। अच्छा, कुछ अभी खाली ज़मीन दिख रहा है जहाँ पर मकान बनना है, तो क्या करेगा? मेन रोड में मटेरियल गिराएगा, वहाँ से ढो करके लाएगा, ये पॉसिबल है क्या? सब गरीब लोग बसा हुआ अगल बगल में, तो इस तरह से परेशान करना हुआ। और इसमें ज़्यादातर हमको लगता है कि ज़मीन माफिया इन्वॉल्व है, जो चाहता है कि इस तरह रोक करके ज़मीन का वैल्यू को गिरा देना।
अगल बगल के जमीन पर हम लोग आने पौने लेकर के फिर हम लोग अपने अपने हिसाब से उसको सौदा करेंगे। हमको तो यही सब लग रहा है। कौन सा एरिया है ये? चोरी से बाबा रोड कहलाता है, मोहनपुर मौजा है। कौन सा जो गेट लग रहा है वो मोहनपुर है। अच्छा। और हम लोगों का मुख्य रास्ता वही है। आज से नहीं, मतलब हम लोग जब होश संभाले तब से 50-60 साल हमने कहा कि यहाँ मजार लगा हुआ है, करबला है, लोग अपना गाड़ी से आना जाना करते हैं, तो ये सारा चीज़ रोक दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करामत अली वारसी है, अंजुमन अल हबीब का सेक्रेटरी। नंबर 7 में है और बहुत गरीब मोहल्ला है। यहाँ पे वक्त बेवक्त यही रास्ता एक है हर चीज़ के लिए। आदमी बीमार पड़ जाए तो जैसा हम खुद बीमार पड़े थे, 11 बजे रात में एम्बुलेंस आया था, अब बोलिए रोड बंद कर देगा तो क्या हाल होगा। ये इलेक्शन का टाइम उन लोग आया, ख़त्म हो गया इस टाइम उन लोग का अति। अब 15 दिन बचा हुआ है तो इन लोग जो है सो इलेक्शन जीतने के लिए दूसरी साजिश के चलते इन लोग सब मिलजुल करके ऐसा कर रहा है। कौन बंद करा रहा रास्ता? ये जो है सो अंजुमन वाला का इलेक्शन होने का है, अंजुमन वाले का इलेक्शन होने का है, और उस इलेक्शन में भाग दौड़ के चलते एक नया नारा दिया है कि कब्रिस्तान का अपमान हो रहा है। 50 वर्ष से अपमान नहीं हो रहा था, रास्ता में चलने से अपमान नहीं होता है, कब्र पर चढ़ने से अपमान होता है। जहां पर रास्ता है पुराने लोगों ने ये बनाया था इसलिए कि अब आदमी जाए कब्रिस्तान का अपमान नहीं हो। तभी आप लोग अपना घर में लिखे हुए हैं यहाँ का जमीन या बिक्री है या घर बिक्री है, क्या करें, किसका करेगा आदमी, यहाँ कैसे रहेगा? जरूरत पड़ जाएगा, जरूरत पड़ जाएगा एक गाड़ी बालू लाने का, एक गाड़ी ईटा लाने का, शादी ब्याह कोई रिश्ता के लिए आएगा तो कौन चीज आएगा, पैदल आएगा कि गाड़ी से आएगा? मतलब यही एक मात्र रास्ता, यही एक रास्ता फोर व्हीलर का।